हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ठीक हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और अभी हम बनाएंगे नेनुआ का दोस्तों मसाला डाल के जो सब्जी बनता है ना दोस्तों वो। और दोस्तों इस तरह भी बनता है तो वो अच्छा, मतलब उतना नहीं लगता, लेकिन ये बहुत मतलब थोड़ा तेज़ लगता है, टेस्टी। मतलब सरसों का मसाला डाल के बनाएंगे तो दोस्तों बहुत टेस्टी लगता है। तो दोस्तों ये चार नेनुआ जिसमें हम इसको सब्जी बनाएंगे, तो आप सब वीडियो में बने रहिए। और दोस्तों ऐसे बनाते तो गल जाता है, तो थोड़ा सा होता है। इस तरह बनाएंगे तो दोस्तों मतलब सब लोग खा लेंगे ऐसा, अगर आपके घर में ज़्यादा आदमी है तो इस तरह। तो हम तो बस इतना ही बनाएंगे क्योंकि इतना भी ज़्यादा ही है। तो दोस्तों आप सबको दिखाएंगे, तो दोस्तों आप सब वीडियो में बने रहिए। और जितने भी दोस्तों वीडियो देख रहे हैं, सभी दोस्तों को मेरे चैनल mrbittu.khushifun में आप सभी दोस्तों को दिल से वेलकम है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो पहले दोस्तों अब ये मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसको छीमा नहीं पड़ेगा क्योंकि छोटा छोटा है। और दोस्तों ये हम लोगों का इधर बगल में ना निकलता है, तो जिसमें तो इस तरह कट कर इसको धुल दिए। और उस तरह भी सब्जी बन रहा है जिस तरह आपको हम दिखाते हैं। तो इस तरह हम दोनों तरफ से इसको छीलेंगे ना, तो वो नरम हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी तरह तो दोस्तों आपसे वीडियो बने रही। हम चारों को इस तरह इधर से काट के देख सकते हैं, इस तरह निकाल दिए। अब इसको अच्छे से पानी में पहले धुल लेते हैं, देख सकते हैं पानी धुल रहे हैं। और धुलने के बाद दोस्तों हम इसको अच्छे से हम कट करेंगे। इस तरह हम आपको दिखाते हैं। उसके बाद ना इसको इस तरह इतना छोटा, ठीक है, इस तरफ करके हम कट कर लेंगे। दोस्तों मैं लेकर आते ताकि आपको आवाज़ अच्छे से क्लियर जा पाए, क्योंकि हम मोबाइल को थोड़ा दूर रखे तो शायद आप सबको मतलब सुना नहीं पाएगा इसके लिए। तो दोस्तों आप सब बने रहिए। तो दोस्तों अब हमने एक यूज कर लिया, और आप सब बताना कि आवाज़ अब अच्छी क्लियर जा पा रही है कि नहीं, ठीक है। तो इसी तरह हमें इस तरह आपको बता दें, इस तरह कट कर लेना। और उसके बाद इसमें ना जिस तरह मतलब रिकोच बनाते हैं ना, उस तरह इसको पतले पतले इस तरह करके हमें कट कर लेना है। आप सब देख सकते हैं ये कुछ इस तरह हमने कट कर लिया, ठीक है। इसी तरह दोस्तों पहले हमको सभी को कट करना है, तो हम आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं। तो इसी तरह हम सबको कट करते हैं। तो दोस्तों हमने सभी को कट कर लिया, इधर देख सकते हैं उसी तरह, इस तरह मतलब सबको कट कर लेना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इधर हम सब्जी बना रहे हैं इस तरह, जिस तरह सिंपल बनता है ना फोरन पे, जो वो आप सब पूछिएगा कि आप तो अपने लिए बनाते तो फिर इतना सारा क्यों बना रहे हैं ना। तो दोस्तों हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो दोस्तों इसमें ना वो क्या बोलते हैं, लहसुन और सरसों जो बोलते हैं ना, उसको पीस के इसमें डाला जाएगा। तो दोस्तों हम आप सबको दिखाएंगे, तो आप सब बने रहिए। और रहेगी बात ये सब्जी का, तो दोस्तों ये सिंपल बनता है तो ये थोड़ा मीठा मीठा लगता है, क्योंकि इसमें हल्का नमक डाला जाता है और हल्दी, है ना। तो ये मतलब उतना वो नहीं लगता, और ये है ना तो थोड़ा तेज लगता है और अच्छा भी लगता है, ठीक है। ये भी ठीक ही लगता है, मतलब हम कोई भी मतलब पहले मेरे ना पसंद पसंद जब मैं मायके में रहती थी तो चलता था, अभी मेरे ना पसंद पे और ना पसंद पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे क्या पसंद है नहीं पसंद है ना। तो इसके लिए अपनी पसंद से नहीं चलना पड़ता ससुराल में, है ना। तो इसके लिए तो ये इसमें बस अभी हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी और नमक। तो ये सब्जी तो मतलब जैसे कि लहसुन, जीरा, उसके बाद मेथी, उसके बाद क्या बोलते हैं मिर्चा, लहसुन सब कट करके, सॉरी जीरा और मेथी थोड़ा ना कट किया जाता है, सिर्फ लहसुन और मिर्चा कट करके और ये सब डाल के इसको फ्राई करा जाता है। उसके बाद ये पानी निकल छोड़ देता है ना, उसके बाद इसमें थोड़ा सा हल्का सा नमक और हल्का सा हल्दी पाउडर डाला जाता है। तो इसी तरह हम इसको डालेंगे, उसके बाद इसका प्रोसेस हम आपको बताएंगे, ठीक है। आप सब भी थोड़ा सा इसमें डाल लें ताकि ये भी सब्जी रेडी हो जाए। तो दोस्तों ये सब्जी ना बन रहा था, तो मतलब हम तो खा लेते, कोई भी सब्जी खा लेते, मेरी अब पसंद और ना पसंद नहीं रहेगी। तो पहले नहीं खाते थे बट अब खा लेते, अच्छा भी लगता है। तो अभी इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। पता नहीं दोस्तों इसका चम्मच किधर गुम हो गया, मैं नहीं ले रहा, नमक में भी था, बस एक ही का बच गया जो क्या बोलते हैं मिर्चा का, उसमें है बस, बाकी का दो का गुम हो गया। तो कोई ना दोस्तों, तो अभी इसको नमक थोड़ा सा नमक हल्दी डाल के इसको चला देंगे, जब तक ये पानी सूख ना जाए तब तक ये नहीं होता है ना, ठीक है। ये पानी अच्छे से सूख जाएगा उसके बाद ये सब्जी हो जाता है, ठीक है। तो रहेगी इसकी बात, अरे सब्जी की बात। तो दोस्तों आपसे पूछते हुए कि आप तो सिंगल है, मतलब
अकेले है तो आप इतना ज्यादा सब्जी बना रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे कि कुछ दिन मतलब मम्मी पापा को हम भी खिलाते कुछ दिन, और लोग भी खिलाते, ठीक है। मतलब दो जने हैं, मेरे हस्बैंड और एक उनके भाई, ठीक है। तो मतलब कुछ दिन वो लोग खिलाते हैं, कुछ दिन हम, ठीक है। जैसे 10 दिन वो, 10 दिन हम, या 20 दिन वो, 20 दिन हम, इस तरह करके। तो अगर हम आप खुद का बनाते हैं तो बनाते हैं, और दोस्तों गैस पे ही बनाते हैं, लेकिन इसका पानी बहुत ज्यादा छोड़ते हैं, बहुत टाइम लगता है। तो इसमें जल्दी जल्दी मतलब लकड़ी लगा देते हैं तो थोड़ा अच्छा से जल्दी सूख जाता है। गैस पे क्या है ना, बहुत देर में पानी सूखता है, इसके लिए ना घेवड़ा का सब्जी बनाए, इसलिए चूल्हे पे भी बना लेते हैं। और इसमें चावल बनाए देख सकते हैं, और इसमें इधर भी सब्जी बनाए, इधर भी सब्जी बनाए, क्योंकि अभी मम्मी पापा भी लोग खाएंगे, इसके लिए अभी अभी आज से ना मेरा टाइम है, तो जिससे कि मतलब कुछ दिन तक हम खिलाएंगे, ठीक है। तो इस तरह, तो आपसे मत पूछना कितना ज्यादा सब्जी आप खा जाओगे, इतना आप ही बनाए, ठीक है। मैंने आप सबको बता दी, नहीं तो आप सब कमेंट करते रहते दोस्तों, कमेंट का हम कितना ज्यादा जवाब देंगे, है ना। तो इसके लिए, तो दोस्तों अभी हम अब इसमें हम डालेंगे, सॉरी इसमें हम, इसमें कुछ नहीं, अभी बस सरसों और लहसुन जा रहे हैं, उस लोड जो इधर दिख रहा है उस पर अभी पीसेंगे हम आपको। तो अब तक ये सब्जी भी बनने में थोड़ा टाइम है, क्योंकि इसका पानी, जब तक पानी नहीं सोखेगा तब तक ये रेडी नहीं होगा। तो तब तक के लिए हम उधर मसाला जो होता है ना वो, उसको पीसेंगे, ठीक है। तो आ जाइए। तो दोस्तों ये सरसों जो पीला वाला बोलते हैं ना वो है, और उसके बाद में ये लहसुन हम इसको छील के इसमें पीसेंगे। पहले ये इसको पीस लेंगे, उसके बाद इसको पीसेंगे छील कर। तो आप सब बने रहिए, पहले इसको हम अच्छे से पीस लेती हूँ, तो बने रहिए इस तरह करके, बने रहिए आप सब। तो दोस्तों हम आपको दिखाए हैं ना लहसुन और सरसों पीस के लिए आया, और दोस्तों वो सब्जी भी बन गया, लेकिन इसमें अच्छे से उसको धोए फिर भी पक रहा है। तो पहले ये सब्जी भी बना लेते, उसके बाद अच्छे से फिर इसको मांसेंगे, क्योंकि मिट्टी कलर वाला जैसा होता है ना, वो धोने में टाइम लगेगा, तब तक आंच भी खाली हो गया। तो मैंने सोच रही इस सब्जी को भी अच्छे से पहले पानी से धो ले, लेकिन फिर भी वो छूट नहीं रहा है, तो सोचे इसी में सब्जी बना लेते, उसके बाद फिर अच्छा से धुल देंगे, है ना। तो अभी हम इसमें डालेंगे मिर्चा और नमक, सॉरी मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर और नमक, तीन चीजें इसमें डालेंगे, धनिया पाउडर नहीं डालेंगे। तो अभी आप सब बन रही, अभी इसमें हम डालते हैं, सॉरी अभी इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, जितना आपको लगे उतना आप हल्दी पाउडर अपने आप डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें हम डालेंगे मिर्च पाउडर, ठीक है। आप सबको तीखा खाते थे थोड़ा ज्यादा डालेगा, और कम खाते थे थोड़ा सा वो डालेगा, है ना। पता दोस्तों, पता नहीं सबका मतलब चम्मच किधर गुम हो गया, हम इतना सा नमक डाल रहे, इतना सा है, तो थोड़ा सा और डाल, उसके बाद में ना नमक भी ऐड कर दिए, उसके बाद में मतलब हल्दी पाउडर और मिर्चा पाउडर, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, आपको हम देख के बताते हैं, ठीक है। तो बने रही, तो दोस्तों हम पहले उसमें ऑयल डालेंगे, इसमें मतलब ये कढ़ाई बेकार दिख रहा है ना, जल गया इसकी वजह से, ठीक है। दोस्तों अच्छे से धुल दिए वैसे, और इसको हम ऑयल डालने के बाद इधर उधर सबको कर देंगे, ताकि सब जगह फैल जाए, ठीक है। उसके बाद में हमें सबको इसमें ऐड कर देना, ठीक है। उसके बाद हमें इसको को इस तरह हाथ से मतलब चला देना है, देख सकते हैं इस तरह। इसमें नमक, मिर्ची पाउडर, उसके बाद हल्दी पाउडर और सरसों में क्या क्या पीसे आप देखेंगे, ठीक है। मतलब मुझ मतलब मैं कभी बनाई नहीं थी, लेकिन मेरी सास माँ बोली इस तरह बनाने के लिए, तो मैंने एक बार खाया तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आप सबके भी साथ शेयर करूँ। नीनुआ का इस तरह का रेसिपी आप सब एक बार जरूर बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो पहले हम सबको अच्छे से इसको पहले मिला लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें बनाना है इसको अच्छे से, सबको जो मसाला है ना इसमें अच्छे से मिल जाएगा। उसके बाद ये तेज लगता है मतलब, ये इस तरह, फिर इसको भी हमें फ्राई करना हल्का फ्लेम पे, ठीक है। तो इसी तरह हम सबको देख रहे हैं, मिला लिए अच्छे से, और हमें इस तरह करके इसमें रखना।
सकते दोस्तों, अभी हम एक बार इतना बनाएंगे, ठीक है। ये मसाला का ही काम है, देख सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से थोड़ा थोड़ा इस तरह भी तेल डालेंगे और, ताकि इसको ना पलटने में आसानी हो, मतलब जैसे कि इसको अच्छे से तैरना है इस तरह, ठीक है। तो हम पलटेंगे तो आपको दिखाएंगे, तो आप सब बने रहिए। तो दोस्तों इस तरह करके अभी हम इसको पलटेंगे, देखेंगे हो गया तभी पलटेंगे, नहीं हुआ रहेगा तो नहीं, वो भी हम देख रहे हैं। हमारे देखने से लग रहा अभी नहीं हुआ, तो हम इसको भी इस तरह थोड़ा सा और होने देंगे, इसके बाद जब तक ये मसाला नीचे ना पसर, इस तरह ये पहले डाला ना वो हो गया इस तरह। इसमें ना हल्का ऑयल भी डाल के आप तार सकते हैं, हमें लग रहा है ज्यादा ऑयल डला गया तो अच्छा नहीं दिख रहा, सिर्फ हल्का हल्का जैसे इसको तारना है ताकि मसाला ये तेल में ना मिले, ठीक है। अगले अब ये वाले बनाएंगे तो थोड़ा सा कम डालेंगे, है। इसी तरह करके हमें पलट देना है, तो दोस्तों इस तरह हमने पलट दिए हैं। और इसके बाद देख रहे किस तरह टेस्टी दिख रहा है, तो बने रहिए आप सब। तो दोस्तों इसी तरह करके सभी को हमें अच्छे से जब तक ये अच्छे से लाल ना हो जाए, लगे ना कि मतलब इसको हम अच्छे से तल लिए हैं, तो जब तक इसको हमें अच्छा से मतलब इसी तरह चलाकर थोड़ी बहुत थोड़ी देर के बाद इसे हमें अच्छे से मसाले को पका लेना है। जैसे कि इसे मसाला पकेगा तब तक ये भी हो जाए, क्योंकि घेरा सॉफ्ट होता है नरम, तो जैसे ये हो जाता है, ठीक है। तो भी हम इसी तरह चलाएँगे, उसके बाद अब थोड़ा सा और रहने देंगे, और थोड़ा देर के बाद इसको हम अच्छे से साफ बर्तन में इसको निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। अभी देख रहे हैं अभी ये फिर कुछ थोड़ी देर 5 मिनट के बाद ये कुछ इस तरह दिख रहा है, तब हम इसको निकाल लेंगे, देख सकते हैं दोस्तों। एक अच्छे बर्तन में हम इसको थाली में इसको रख लेंगे, और यूँ समझिए कि ये रेडी हो गया है और सभी इसी तरह बनेगा। तो देख लीजिए दोस्तों कितना हैवी दिख रहा है, अच्छा लग रहा है दोस्तों। इसके साथ थोड़ा सा के साथ आप बहुत ज़्यादा चावल खा लोगे दोस्तों, सच में बहुत अच्छा लगता है। तो अभी देख सकते हैं दोस्तों हमने ये बना लिया, और इसी तरह उसको भी बनाना है, मतलब इसको सुन के उसके बाद उसमें डालकर उसके बाद फ्राई करने का। तो बने रहिए। तो देख सकते हैं दोस्तों ये सब्जी बन के रेडी हो गया है, अब इसके साथ साथ आप चावल भी खा सकते हैं। और बताना दोस्तों कैसा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है कि नहीं। और दोस्तों मेरी लाडली वाली मेरे पास आ गई, और देखिए कितना सुंदर दिख रहा है दोस्तों, कितना अच्छा दिख रहा है। इसे मसाला वसाला डाल के सब कुछ करके बना है, तो कितना सुंदर दिख रहा है। तो दोस्तों आप सबको अच्छा लगे तो आप सब ट्राई कीजिएगा। और दोस्तों इसके साथ थोड़ा साथ के साथ ना बहुत ज़्यादा खा लोगे, और मुझे पसीना दिखे चुटका ज़्यादा। तो ये एकदम रेडी हो गया है, सबको इसी तरह जिस तरह एक बार बनाया ना उसी तरह सबको पलट के उस तरह बनाकर इस तरह रखना होता है, ठीक है। तो बताना दोस्तों वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों अच्छा लगा तो प्यारा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और दोस्तों आपसे बताना कि आप सबको क्या चीज़ की रेसिपी पसंद लगती है, अगले वाले क्या चीज़ का देखना चाहिए कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं दोस्तों, ये इस तरह भी बनता है तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करूँ। तो देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है, इसके साथ मतलब थोड़ा सा के साथ ना बता सकता था और खा लो, मतलब थोड़ा तेज लगता है, अच्छा लगता है, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, धन्यवाद। मेरे लाडो रानी रो रही, तभी देखकर उनको सुनाएंगे, तो बाय बाय, लव यू, धन्यवाद।